24R न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के औरैया में आज कांग्रेस के सभी जिला संगठनों ने जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। वहीं धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। धरना सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष शिव वीर दुबे ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। रुपए का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो भाजपा सरकार पूरे देश को कर्ज में डुबा देगी। यदि केंद्र व प्रदेश सरकार चलने में अक्षम साबित हो रही है तो उन्हें अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी दौरान आधा सैकड़ा से अधिक कांग्रेसी मौजूद। किसानों की समस्याओं को लेके एक बहुत बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो माननीय राज्यपाल जी को DM के द्वारा एक ज्ञापन भेजा जाएगा। इसमें उद्देश्य यही है, किसानों का केंद्र सरकार और कांग्रेस सरकार जो उत्पीड़न कर रही है, पराली के नाम पर उनका उत्पीड़न हो रहा है, गन्ना किसानों की समस्याओं में उनको जो है भुगतान नहीं किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उनका प्रति कुंटल 450 रुपया मूल का पैसा दिया जाए। ये सारी समस्याएं हैं।